दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, नई दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन ने 26 जनवरी के बाद आक्रामक रूप ले लिया, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर बवाल तब और बड़ा हो गया जब अमेरिकन सिंगर रिहाना ने किसानों के समर्थक में एक पोस्ट किया। आपको बता दें, उनके इस पोस्ट का विरोध करने के लिए बॉलीवुड स्टार की लंबी कतार लगी हुई है। अब खुद रिहाना विवादों में घिरी नजर आ रही हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि किसान पर पोस्ट करने के लिए रिहाना को कनाडा के पीआर फर्म ने 18 करोड़ रुपए दिए, जो कि खालिस्तान समर्थन से जुड़ी हुई है। रिहाना से जुड़ी रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बार फिर विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। ये बताया जा रहा है कि कनाडा की संस्था पॉलिटिक जस्टिस फाउंडेशन ने किसान आंदोलन को लेकर विश्व स्तर पर कैंपेन चलाने में अहम भूमिका निभाई है। भी बताया जा रहा है कि कनाडा के बाहर कई राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता किसान आंदोलन का साथ दे रहे हैं। द प्रिंट रिपोर्ट के अनुसार, स्काई रॉकेट नाम की पीआर फर्म ने रिहाना को किसान के समर्थक में पोस्ट करने के लिए $2.5 मिलियन की रकम दी, जो कि कुल 18 करोड़ रुपए हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि स्वीडन की एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने जो पोस्ट शेयर किया था, वो भी भारत के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए उन तक पहुंचाई गई थी। दोस्तों, आपका रिहाना के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।